जब बात करने वाले भोजपुरी इंडस्ट्री के सुप्रसिद्ध म्यूजिक यानी जो म्यूजिककार थे यानी जो म्यूजिक डायरेक्टर थे शंकर सिंह जी, जो कि एक समय था जो कि काफी बड़े बड़े स्टार मरते थे कि शायद मेरा गीत में शंकर सिंह का नाम शंकर सिंह जी का म्यूजिक आ जाए, लेकिन एक ऐसा मोड़ आया अभी का वर्जन देखा जाए जो यह फिल्म होते जा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, जितने भी लोग इंडस्ट्री के हैं जब वो बोलते हैं तो मुझे ये चीज अभी याद आ गया, तो सर ने मुझे नजर पड़े तो मैंने सोचा कि सर से आखिरकार क्या वो पहले में जो उनके अंदर जो क्वालिटी था, क्या ऐसा कुछ भोजपुरी इंडस्ट्री के लोगों में क्या कुछ ऐसा मानसिकता है कि आखिरकार इतना इनसे अभी काम लोग नहीं करवा रहे हैं। सारे मुद्दे पे आज हम बात करेंगे, आपको इस वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले तो आपको हमको स्वागत है सर चैनल में। साइन न्यूज से देखने वाले जितने भी दर्शक हैं सब किसी को मेरे तरफ से बहुत बहुत प्यार धन्यवाद। अच्छा सर, आपको सबसे पहले तो धन्यवाद देंगे कि आप एक म्यूजिक से अभी लेवल शुरू से यहाँ तक बने हैं, लेकिन पहले का जो दौर था काफी चर्चित थे, लेकिन अभी लुप्त आप क्यों हो रहे हैं ये बताइए खुल कर। देखिए, लुप्त होने नहीं होने की बात जहाँ तक है, किसी चीज का एक दौर होता है, समय होता है, वो दौर अभी भी है, बट मेरे कहने का मतलब अभी का जो दौर आ गया वो दौर हो गया है चतुर्कारिता बताना है। हम का किसी लाभ से डर ना करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि हम हमारे खून में ही नहीं चतुर्कारिता, सीधी सी बात, लोग यहाँ बैग घोड़ो करके काम कर रहे हैं। हम जो जितना दिन 6 साल 7 साल राज किए ना, अपने बल पे राज किए, आज का जो दौर आ गया है वो जिसके पास टाइम है ना वो क्या कर रहा है, 10 गाना 15 गाना बनाकर भैया 10 गाना भेज दे भाई देख के गा दिया, भैया 20 गाना भेज दे बताए। अब भैया को फ्री में मिल रहा है तो यहाँ पैसा देकर क्यों मेरे पास आएंगे बनवाने के लिए, सीधी सी बात, आप समझने वाली बात। हम लेते हैं भैया बाप पैसा, हम मेहनत करेंगे तो पैसा, वही चीज है, तो सीधी सी बात है, जिसको नाम कमाना है वो चतुर्कारिता कर रहा है, हम जितना कमा ले उतना भी संतुष्ट है, अभी भी कमा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बड़े लोगों का काम करने के लिए मेरे दिल में इच्छा है, जो आएंगे उनका काम करेंगे, दरवाजा खुला है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है, काम बंद भी नहीं किए। और दूसरा चीज ये है कि जो अभी का थोड़ा सा वर्ग लिखी चल रहा है हमको अच्छा नहीं लगता है, हम साफ सुथरा की तरह पाते हैं, बिल्कुल बीच बीच में ये भी हम नहीं कहेंगे गंगा जी का धोया हुआ है, बीच बीच में कोई वैसा आ जाता है होगा ही, ये होंगे हम ठीक है। अब रहा सवाल आप बोल रहे हैं विलुप्त होने वाली बात, मेरा कहना है लोगों का ठीक है, जो कह रहे हैं उन्हीं का बात कर रहे हैं जी, विलुप्त हम नहीं हुए हैं ठीक है, और ना विलुप्त होंगे। दरअसल बात ऐसी है कि जो काम आजकल लोग कर रहे हैं हम नहीं करेंगे, उसे समझ गए, मेरे पास कमाने का बहुत सारा जरिया, हम कमा रहे हैं खा रहे हैं ना। बहुत लोग कहते हैं कि खेसारी या पवन सिंह जी के साथ उनका गाना अब नहीं आ रहा है, कोई अच्छे अच्छे लोगों के साथ, उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं सर? देखिए, दरअसल बात ऐसा है कि पहले जो था एक यूनिट बन के काम करता, जो अच्छा काम करते उनको पहले पकड़, हाँ अब जो लोग पहले मेरे बात सुनिए, पहले जो होता था एक यूनिट, जैसे मान के चले कि आप न्यूज रिपोर्टर हैं, आपके साथ एडिटर हैं, सहयोगी है, कैमरामैन है, जो भी है ना जी, तो उस टाइप का पहले था, हम लोग राइटर थे, जो भी साथ में काम कर रहे थे सारे लोग मिल करके काम करते थे। अब ऐसा हो गया कि अच्छा मान के चलिए कि आपके साथ में जो 5 आदमी काम कर रहे हैं वो 5 आदमी न्यूज रिपोर्टर हैं, जो आपके साथ कौन रहेगा काम करना, तो राइटर लोग हैं वो लोग अपना स्टूडियो खोल लिए हैं, सिंगर लोग हैं अपना स्टूडियो खोल लिए हैं, बहुत सारा इफेक्टिव चीज है ठीक है। आज मान के चलिए कि ये जो पैसा हम लेते हैं म्यूजिक बनाने का, हम 5,000 तो कम लेते हैं ठीक है। दूसरा चीज़ है आज के रेट में, आज के डेट में जो भी मार्केट में स्टूडियो बहुत सारे खुल रहे हैं, चट्टी बाजार गाँव में हर जगह, तो आज जो भी छोटे वर्ग के सिंगर हैं आज के डेट में गाना हिट कराने के लिए कितना गेम रचा जा रहा है। आज मान के चलिए कि अगर जो अपने आप को बहुत बड़ा बन रहा है कि हम इनके साथ उनके साथ काम कर रहे हैं, तो वो तो उनके बदौलत बज रहा है, अपने बदौलत अगर बज के दिखाए तो किसी नया सिंगर को उठा के दिखाए, हम कहिए तो उंगली पर हम गिनेंगे तो मेरा उंगली कम पड़ जाएगा, हम इतना बड़ा छोटे सिंगर के साथ काम किए हैं जिसका नाम है मार्केट। जो भी लोग आज काम कर रहे हैं भगवान करे और आगे बढ़े, हम खुशी है इस चीज़ की ठीक है। अरे और कुछ नहीं होगा हमारे सामने, तो कम से कम
फिर पीछे में तो कहेंगे हाँ भाई के पास काम किया। अच्छा अभी जो आपने बोला कि गाना हिट करवाने के लोग चंचल, यानी अभी के जो दौर आ चुका है सर, हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से कोई गाना रिलीज होता है लग रहा है कि मर्डर हो जाएगा, यानी कि जिस तरह से विवाद होता है उसको गाने को जातिवाद, जिस समय आप थे उस समय शायद ऐसा कुछ नहीं था, जिनका भी गाना आता था जिनको जो अच्छा लगता सब लोग सुनते थे, लेकिन अभी के जो दौर में यादव का जब यही दो जाति है हमारे इंडस्ट्री को क्या संसार में दो ही जाति है, दो ही हमें तो जितना SC ST जो नॉर्मल जाति से आते वही लोग भोजपुरी गाना अधिकतर सुनते हैं, अच्छा गाना तो फिर उन लोगों को सम्मान न देकर के और यादव आज बड़े बड़े लोग क्यों करते हैं। आप बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छा क्वेश्चन, सबसे पहले तो कलाकार का कोई जाति नहीं ना, ठीक है, और रहा सवाल यादव राजपूत जो भी है, अभी ये क्या है राजनीति दो प्रकार का होता है, एक राजनीति तो हम देश के साथ जो नेता लोग हैं चुनावी दौर में हम लोग देखते हैं, ठीक है, अभी के वो सेम राजनीति हो गया है हम लोग के भोजपुरी इंडस्ट्री में। आज मान के चलिए कि जो इंडस्ट्री में ना राइटर है, ना म्यूजिक डायरेक्टर है, ना रिकॉर्डिस्ट है, किसी कुछ भी नहीं है, वो भी आज आकर के फेसबुक पे किसी सिंगर को, किसी बड़े सिंगर को, किसी नामी गिरामी आदमी को गाली दे रहा है, उसके पक्ष के लोग उसको गाली दे रहे हैं, तो जिसको अपने माँ बहन करवा करके हिट होने का शौक लगा है वो आज के डेट में यूट्यूब पर आकर के हिट हो रहे हैं, ठीक है, और जातिवाद ही कर रहे हैं, जातिवाद करके अपना आगे बढ़ने का धंधा, तो और जहाँ तक बात है आगे बढ़ने का, अगर आप में हुनर है तो आप अपने हुनर के बदलता है। अच्छा जिस तरह से अभी स्ट्रगल है, जिस तरह से अभी विवाद हो रहा है, हमें नहीं लग रहा है सर जो बड़े बड़े स्टार है कि विवाद में नए लोगों को आगे बढ़ने का मौका दे पाएंगे, आपको लग रहा है? देखिए बात कैसा है, अच्छा एक चीज बताइए, आपके क्वेश्चन से ही आपका जवाब मिल रहा है, आज मान के चलिए हम लोग किस उपलक्ष्य में यहाँ हाजिर हुए, आप एक इवेंट हो रहा है, क्या ये इवेंट कराने का पैसा छोटे सिंगर के पास उपलब्ध है? नहीं। आज मान के चलिए 5,000, 10,000, 15,000 वो बेचारा व्यवस्था कर रहा है, व्यवस्था करके गाना गाने का हिम्मत जुटा रहे हैं, बड़े बड़े सिंगर जो भी हैं मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, जिसके पास पैसा है, कंपनी उसको हेल्प कर रही है, वो इवेंट करके रील वालों को बुलाकर, पत्रकारों को बुलाकर के अपने गाने का प्रमोशन कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, बड़ी बात नहीं है। लेकिन दूसरा चीज़ ये है, कोई छोटा सिंगर गाना गा रहा है उसका थोड़ा सा भी गाना पनप रहा है तो बड़े लोगों अपने विवाद के चक्कर में उसको गाली दो उसको, तो इसमें पब्लिक, हाँ पब्लिक उसी में अजुराए रह जा रहा है, उसका गाना दब जा रहा है, अगर थोड़ा सा आगे बढ़ भी रहा है उसका गाना तो थोड़ा सा तोड़ मरोड़ करके उसका गाना दबा, या चाहे अभी अगर सोशल मीडिया देखा जाए तो गाना से ज्यादा हमें लग रहा है गाली गलौज विवाद देखने को मिलता है अभी के दौर। देखिए आप भी मतलब काम से जुड़े हुए हैं, ठीक है, YouTube से क्या रेवेन्यू बन रहा है पता है, ठीक है, तो लोगों को ये नहीं है कि जी हाँ गाना गाकर ही अपना जो भी कलाकारी है कलाकारी दिखाकर, समझिए कि वो गाली देना भी एक कला समझ गए हैं, ठीक है, बिजनेस है, हाँ बिजनेस समझ गए, ऐसा कुछ नहीं है कि वो गाली दिल से देते हैं किसी को, वो अपने आप को प्रमोट करने के लिए देते हैं, ठीक है, राजपूत भाई जादव जी लोग को, जादव जी लोग राजपूत भाई को, पासवान जी लोग ऐसे ऐसे ये सब जातिवादी करके लोग अपने आप को हाईलाइट करना चाह रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। इस समय आपका लेवल था अभी भी है, उस समय ऐसा धोखा सा भी नहीं होता था, सब लोग एक समान बैठते थे, दरअसल बात ऐसा है उस समय जो था ना बहुत ईमानदारी से काम, हाँ इस तरह के जो गद्दार लोग अभी जैसा ना, हाँ अभी के जो लोग हैं पीछे पीछे वो चीज हमारे समय में नहीं, हम इसी चीज को लेकर के अभी भी चलते हैं, आगे भी हमारा मन है कि उसी हिसाब से रहे चाहे चले, ठीक है। अच्छा जितना लोग विवाद में टाइम देते हैं शायद अगर आपके माध्यम से जो भी बड़े बड़े लोग देते हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं गार्जियन के माध्यम से? देखिए गार्जियन के माध्यम से हम संदेश देना ये चाहते हैं आपसी भाईचारा एकता जहाँ भी है वो समझिए कि बहुत आगे बढ़ा है, भोजपुरी इंडस्ट्री हो, हिंदी इंडस्ट्री हो, मगही हो, चाहे जो भी हो, तो ये सब जातिवादी भुला करके आदमी को अपने काम पे फोकस करना चाहिए, एक दूसरे से मिलकर मिलाकर छोटे, अच्छा मान के चलिए आज हम काम कर रहे हैं म्यूजिक डायरेक्शन का, हो ना हो कल कोई रहे ना रहे तो कोई हमारा नीचे जो है वो अगर काम करेगा तब तो फिर आगे बढ़ेगा, ठीक है, तो किसी नीचे वाले को हम उठने नहीं देंगे तो फिर कैसे आगे
चलेगा देश, वही ना प्रॉब्लम, ये लोग को समझ अभी तक नहीं आया। तो ये लोग हैं कि जितना दिन हम हैं उतना दिन कोई नहीं है, ठीक है, आपको समय देखने नहीं आई है, थोड़ा सा स्ट्रगल होगा, कोई ना कोई तो होगा, दुनिया एक से नहीं चल रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ है, ये चीज़ किसी को समझ में नहीं आ रहा है, लोग अपने आप में परेशान हैं। अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि खेसारी या पवन सिंह जब एक प्रोफेशनल एक्टर है तो एल्बम में आके कचरा करे, आपको ऐसा कुछ नहीं लगता? हमको तो लग रहा है, आपको लग रहा है, आप खुद इस चीज को भली भांति जान रहे हैं। आप खुद के बताइए, मान के चलिए वो प्रोफेशनल एक्टर है, ठीक है, तो मान के जो एल्बम का स्ट्रगल लड़का कर रहे हैं, सिंगर भी अच्छा अच्छा गाते हैं, उनका गाना ही बज रहा है, शायद अगर ये लोग इधर का मेंटेनेंस करते और वो लोग मूवी पे ज्यादा फोकस करते तो शायद हमें और इसका ग्रोथ होता। सबसे सबसे बड़ा चीज समझ लीजिए, जो भी बड़े करने के लिए है वो अपने आप को नहीं पहचान, इस चीज को अभी तक, अगर वो खुद को पहचानते तो छोटे लोगों को सपोर्ट जो सम्मान भी दिलाते हैं वो लोग को दिखाने के लिए। बताया गया ना कि हाथी का दो दांत होता है, एक दिखाने के लिए एक खाने के लिए, ठीक है। इस बड़े इस भोजपुरी इंडस्ट्री में बड़े लोग हैं जो कि सपोर्ट करते हैं, मैं किसी का नाम नहीं रखूंगा, लेकिन मैं जानता हूं, मैं भी बहुत दिन से हुई इंडस्ट्री का, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि यहाँ कहेंगे हाँ बाबू बहुत बढ़िया बोल रहा, पीछे 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 क्या करेंगे, फोन करके उसका पता करना। जाहिर सी बात है, आज मान के चलिए कि आप डिजिटल चला रहे हैं, बड़े बड़े सिंगरों का गाना आपसे आपके पास से रिलीज हो रहा है, आप किसी छोटे सिंगर का गाना दबाना होगा तो बड़े सिंगर का बात करेगा, छोटे सिंगर बहुत 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 गेम है, कितना हम बात बताएं, ठीक है, आदमी जान रहा है, कहने का मतलब ये सब चीज जो भी देख रहे होंगे वो लोग भी शायद जान रहे हैं। आज के डेट में मान के चलिए एक गाना को प्रमोट करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए ऐड लगाया, जिसके पास 10,000 रुपया 5 महीना 7 महीने कहीं काम कर रहा है या 10,000-15,000 रुपया जोगाड़ कर रहा है गाना के लिए, वो ऐड पे 5-10 लाख रुपये कहाँ से लगाएगा? जाहिर सी बात है कि जो बढ़ाने नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, आप अब नेक्स्ट बार खेसारी फिल्म के साथ नजर आएंगे? अब तो शुरू में ही आप सब बोले ना कि जिसको हमारी जरूरत लगेगी हम उसके साथ खड़ा है। अगर ये लोग सोचेगा कि हाँ अगर शंकर गिर गिराए किसी के पास हमारे फोन में नहीं, यही होना ही चाहिए, ठीक है, हम किसी पास गिर गिराने नहीं गए हैं, ना चाहिए। कौन सा साल तो ये अब मैं बता दूँ आपको, भोजपुरी के सुप्रसिद्ध म्यूजिक डायरेक्टर थे, हैं और रहेंगे, हम लोग जहाँ तक आप लोग जहाँ तक जानते हैं, का स्वाभिमान है, जो मेरे अंदर क्वालिटी टैलेंट है, मैं किसी की तरह चमचा चापलूस नहीं करेंगे, जो भी हमसे या स्टार लोगों से अगर बन पड़ेगा इनके पास प्रोजेक्ट आएगा तो ये करने के लिए तैयार है, इनका कहना। लेकिन आप सब जो सिंगर जो समझते थे, जो आप लोग का मन का जो क्वेश्चन था वो मैंने आप सभी के बीच इस चीज़ को क्लियर किया, लेकिन आप सब इस विषय पे जो भी कहना चाहते हैं आइए कमेंट के बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए, फिर से मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।